हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अब जा रहे हैं सेवन्थ लेक्चर कवर करने हमारे चैप्टर वन रैशनल नंबर्स का। इसके पहले छह लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है नंबर लाइन पे अलग अलग नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। तो डायरेक्ट रैशनल नंबर पे आने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से हर लेक्चर की तरह सिक्स हर टॉपिक की तरह सिक्स्थ और सेवन्थ का थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा कि कैसे हम लोग अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम नेचुरल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। नेचुरल नंबर्स के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकेंड वीडियो में ही, कि एक ज़ीरो ऐड कर दिया गया नेचुरल नंबर्स में और उन नंबर्स को हम लोग बोलने लगे होल नंबर्स। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए होल नंबर्स में, तो हमारे पास आ गए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तक देखने के बाद हम लोग देखेंगे हमारे रैशनल नंबर। ये तो हम लोग देख ही चुके थे कि रैशनल नंबर की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ये सब हम सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो देखो, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो एक नंबर लाइन ऐसी लाइन है कुछ इस तरह से, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन और उसके आगे के सारे नंबर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन टू ये सारी दूरियां बराबर रहेंगी जो मैं बना रहा हूँ, थ्री। आप जब भी बनाओगे नंबर लाइन तब आपको स्केल से ये सब मेजर करके इक्वल बनाने हैं, फाइव सिक्स सेवन और एट। और ये इस एरो का मतलब है कि ये नंबर लाइन और भी आगे तक चलती जा रही है, जहाँ तक भी आप काउंटिंग जानते हो, जहाँ तक काउंटिंग कर पाओ, इन्फिनिटी तक जाती है वैसे ये लाइन, क्योंकि काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब जहाँ तक भी काउंटिंग है। हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स वो हैं वन टू थ्री फोर और इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो ये तरीका था नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करने का। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे तो वन और टू के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। वन और टू के बीच में डेफिनेटली कुछ नंबर्स होंगे जैसे 1.2, 1.3, पर वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो जब हम नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लगभग लगभग सारे नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं इस पॉइंट तक। उसके बाद का हमने एरो बना के दिखा दिया कि इसके आगे जा रही है नंबर लाइन। नेक्स्ट बात करें अगर होल नंबर की, तो होल नंबर सेम था नेचुरल नंबर्स की ही तरह, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन नेचुरल नंबर्स में ही हमने एक ज़ीरो भी ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर ज़ीरो भी आ गया, बाकी सब कुछ नेचुरल नंबर्स की तरह ही रहेगा। इसको भी आप स्केल से ही बनाएंगे। तो अब देखो, नेचुरल नंबर्स की तरह होल नंबर्स भी हमें वो सारे होल नंबर्स दिख रहे हैं जो ज़ीरो से लेके सेवन तक हैं, और इसके आगे हमने एरो बना के दिखा दिया कि जहाँ तक भी काउंटिंग जा रही है इन्फिनिटी तक, वहाँ तक इसके आगे के नंबर्स होंगे, एट नाइन टेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जो वन से स्टार्ट होते हैं, ये है होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। अब बात करें इंटीजर्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया था इंटीजर्स में हमने नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए। तो बात ये हुई कि नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसा लिखा जाए, ये डिसाइड करने के लिए हमने देखा कि नेगेटिव नंबर्स को ज़ीरो के पीछे लिखने लगे हम लोग। जैसे ज़ीरो के आगे नॉर्मल काउंटिंग अपनी लिखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। ये लाइन राइट साइड में इन्फिनिटी तक जाएगी। ये वाली लाइन जो है ना, ये शुरू वन और ज़ीरो से हो रही है, सिर्फ राइट साइड पे इन्फिनिटी तक जाएंगी, पर ये वाली लाइन लेफ्ट तक भी इन्फिनिटी तक जाएगी, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी बोल देते हैं क्योंकि इस तरफ हम लोग नेगेटिव नंबर्स चला रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन और आगे तक। इससे आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जो सिक्स है, हम सबको पता है कि सिक्स उसके पीछे आने वाले सारे नंबर्स से बड़ा है, वन से बड़ा है, टू से, थ्री फोर फाइव सबसे बड़ा है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स की बात होती है तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर माइनस वन है। ये जो माइनस टू है यहाँ पर, ये इस माइनस वन से छोटा है, नेगेटिव नंबर्स में उल्टा हो जाता है। जो नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही उसको छोटा माना जाएगा अगर उसके पीछे नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस सेवन जो है वो एक छोटा नंबर है कंपेयर टू माइनस वन। तो इस तरह से आपको ये भी पता चलता है कि नंबर लाइन पर सबसे लेफ्ट में जो नंबर लिखा होगा वो उस नंबर लाइन का सबसे छोटा नंबर है। तो इस नंबर लाइन का सबसे छोटा नंबर माइनस सेवन है और सबसे बड़ा नंबर वो प्लस का सेवन है। तो ये तो हो गई इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स की बात। इसमें एक चीज़ और हमें पता चली कि यहाँ पर हमने सारे इंटीजर्स लिख दिए हैं जो भी माइनस सेवन और सेवन के बीच में आते हैं। माइनस सेवन और माइनस सिक्स के बीच में हमें
कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, ऐसे ही 1, 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं, 2, 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं, सब कुछ लिख दिया। लेकिन जब बात रैशनल नंबर्स की आती है, हाँ जो मैं आपको पहले बता रहा था कि क्या है कि हमने लिखा तो 1 और 2 है, पर 1 और 2 के बीच में भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 1.2, 1.3, 1.4, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर के लिए अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो उस पर लिखेंगे। अब देखिए रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो फिलहाल हम लोग चलो राइट साइड ही देखते हैं, सिर्फ लेफ्ट का बाद में देखेंगे, या फिर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसा राइट होता है वैसे ही लेफ्ट। तो अब क्या है, जैसे मेरे पास नंबर लिखे हैं 0, 1, 2 और 3, तो अब इस 0 और 1 के बीच में भी एक नंबर आएगा, जैसे कि 0 और 1 फुल, इसके बीच में क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। ये अगर एक यूनिट है तो इसके आधे पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। और 1/2 आपने कैसे लिखा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आधा आ जाएगा, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, डेढ़ आ जाएगा, मतलब एक पूरा और आधा, और एक के बाद एक से बड़ा क्या नंबर आएगा, जो 2 से छोटा है, डेढ़ आएगा बीच में अगर हम बनाएंगे तो। तो ये और ये डिस्टेंस बराबर बनाते हुए आप यहाँ पर लिख दोगे 1 होल 1/2, या फिर इसी को 2 × 2 + 1 = 3/2 भी लिख सकते हो आप, डेढ़। एक और तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि 0 और 1 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, तो जो नंबर जिसके बीच में आप देख रहे हो, जैसे यहाँ 0 और 1 के बीच में देख रहे हो ना, तो इस नंबर को आप ऐसे निकाल सकते हो, 0 + 1/2, तो 0 + 1 कितना हुआ, 1, और अपॉन 2 से 2 आ गया। ऐसे ही 1 और 2 के बीच का नंबर निकाल रहे हो, बिल्कुल बीच का, तो क्या करोगे, 1 + 2, जैसे यहाँ 0 + 1 किया था, तो 1 + 2 / 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो इस तरह से आपने दो नंबर्स के बिल्कुल बीच का एक नंबर निकाला। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 2 + 3 = 5, तो फिर 5/2, ऐसे ही आगे 4 आता तो 7/2, ओके। तो ये तो हो गए रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है कि आधा आधा के अलावा हम लोग अगर एक और नंबर लाइन में आपको बना के दिखाऊं, हम लोग 1/3 लें अगर 1/2 की जगह, मतलब तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, तो भी हमारी नंबर लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले तो मेरा आ गया 0 और यहाँ पर आ गया मेरा 1। अब जब मैं 1/3 की बात करूँगा, मतलब तीन हिस्से करूँगा इस पूरी लाइन के, तो तीन हिस्से कैसे होंगे, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ। अब एक हिस्सा तो ये है, दूसरा हिस्सा ये है, और तीसरा हिस्सा ये है। तो अब जो सबसे पहला पार्ट है वो इस पूरे का क्या है, 1, 2 और 3 का एक हिस्सा है, मतलब कि 1/3। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 0 से देखेंगे हमेशा, 0 से यहाँ तक ये इतना एक हिस्सा है, ऐसे ही 0 से यहाँ तक ये एक और एक दो हिस्से हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। ऐसे ही यहाँ तक आप देखोगे तो 1, 2 और 3 तीन हिस्से हैं, तो 1 हो जाएगा 3/3। और वैसे भी आपको देखो देख के पता चल रहा है 3/3 क्या होता है, 1 ही तो होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ 0 और 1 के बीच में एक नंबर डाला, ऐसे ही यहाँ पर हमने 0 और 1 के बीच में दो नंबर्स एंटर करवा दिए। और हमारा अगला टॉपिक भी यही है। ये तो एक सिंपल तरीका था कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर्स को हम लोग। और ये लाइन देखो यहाँ से जाएगी इन्फिनिटी तक, और यहाँ से जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन एक बात याद रखना, आपको नंबर लाइन पर हमेशा इक्वल ही दिखाना है। जैसे 0 के बाद 1/3 के बाद आप 2/3 लिखोगे, ये नहीं कि आप यहाँ पर 1/3 के बाद 1/2 लिख दो, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे अगर हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं तो उनके बीच में हम लोग एक तीसरा रैशनल नंबर, या तीन नंबर्स, या कितने भी नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि हमें फाइंड करने हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये BW का मतलब है बिटवीन, टू रैशनल नंबर, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में हम लोग तीसरा रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, और आपसे बोलूं 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, तो आपको साफ साफ ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 एक नेचुरल नंबर आएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, तो आप मुझे बता दो कि 2, 3 और 4 आएगा। ऐसे ही अगर मैं होल नंबर की बात करूं,
और आपसे कहूँ 0 और 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप मुझे बता दोगे 1, 2 और 3 आएंगे, इसके अलावा कोई होल नंबर नहीं है। ऐसे ही कहूँ 0 और 3 के बीच में, तो आप बता दोगे 1 और 2 आएंगे। आप सब में बता दोगे, इंटीजर्स में भी बता दोगे। अगर मैं आपसे कहूँ इंटीजर्स के केस में कि -2 से लेके 3 तक कितने नंबर आएंगे, तो देखो -2 के बाद क्या आएगा राइट साइड में, -1, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2 और फिर ये वाला 3। तो -2 से 3 के बीच में ये सारे नंबर्स आएंगे। तो इन सब केसेस में तो मुझे आप बड़े आराम से बता दोगे, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ काउंटिंग आनी ज़रूरी है। लेकिन रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, अब हम वो देखते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके हैं और कुछ मुश्किल नहीं है इनमें। देखो, अगर मुझे दो नंबर दिए हैं, जैसे कि आपके बुक में दिए हैं, मैं वही नंबर्स ले लेता हूँ, 3/10 और 7/10, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सबसे सिंपल केस। तो आप कहोगे कि इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो होंगे 4/10, 3 के बाद 3/10 के बाद आएगा 4/10, फिर आएगा 5/10, फिर आएगा 6/10 और फिर आएगा 7/10। 7/10 तो यहाँ लिखा ही है, तो बीच में तो आएगा नहीं। तो आप कहोगे ये 3 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे इनके बीच में। लेकिन होता क्या है कि जैसे हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के केस में दो नंबर्स के बीच में आने वाले सारे नंबर्स मिल जाते हैं, वैसे रैशनल नंबर में नहीं होता, क्योंकि इस 3/10 और 7/10 के बीच में अनगिनत नंबर हैं जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो 3/10 है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड या फिर 10/10 ऐसे कर दूँ मल्टीप्लाई, 10/10 क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर सेम रहता है। तो मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हमेशा नंबर सेम रहेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो मल्टीप्लाई करने पे 3 10s 30 और 10 10s 100, ठीक है। ऐसे ही जो 7/10 है, उसको भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, 70/100। अब आप देख सकते हो 30/100 और 70/100 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, 31/100, 32/100, 33/100 और ऐसे ही चलते जाएंगे कहाँ तक, 69/100 तक। तो यहाँ पर मुझे कितने, लगभग 40 नंबर मिल गए इन दोनों के बीच में। इनफैक्ट ये तो सिर्फ 40 हैं, मैं चाहूँ तो 40,00,000 नंबर लिख सकता हूँ इनके बीच में। कैसे, आइए बताता हूँ। देखो, तो 40 नंबर लिखना तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखोगे। अब जैसे कि मैंने इंटू 10/10 किया था, मैं इंटू 100/100 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 300/1000। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, 700/1000। अब देखो, इनके बीच में हमें 40 नंबर पहले मिले थे, अब हमें इनके बीच में 400 नंबर मिल गए। 300/1000 के बाद आएगा 300/1000, 300/2000, 300/3000 और ऐसे ही काउंटिंग करते करते हम लोग जाएंगे 699/1000 तक। तो हमें पूरे 400 नंबर मिल गए, किसके बीच में, 3/10 और 7/10 के बीच में। ऐसे ही अगर मैं 100/100 की जगह 100,000/100,000 से मल्टीप्लाई करूँगा या कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं कितने भी नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकता हूँ। मैं 0 दोनों तरफ ऊपर नीचे बढ़ाता जाऊँगा ऊपर नीचे, और नंबर उतने ही बार मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे पिछले केस में हमारे पास 400 नंबर थे, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में 40,000 नंबर निकल आएंगे, ठीक है। तो आप जितने चाहें उतने नंबर निकाल सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में आपसे 3-4 नंबर्स ही पूछेगा। अगर वो सिंपली ऐसे निकल रहे हो, जैसे आपसे बोले 3 नंबर्स बता दो इनके बीच में, तो हमें सीधा दिख रहा है 4/10, 5/10 और 6/10, तो आप सीधा लिख दोगे बिना किसी दिक्कत के। अगर आपसे ऐसा नंबर पूछ ले, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं आपसे बोलूँ 3/7 और 5/7 के बीच में मुझे कोई भी 5 रैशनल नंबर बता दो, तो अब आप देखोगे कि हाँ, तो मुझे एक ही नंबर निकल रहा है 4/7। तो अब आप वो इनटू 10 वाला केस यूज़ करोगे, आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 10s 30 होता है, इसलिए मैंने सीधा 30 लिख दिया। ऐसे ही 7 10s 70 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 70 लिख दिया, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, लेकिन आपको बता दिया कैसे आएगा। अब आप कोई भी 4 नंबर, आपसे 4 पूछे हैं 4 बता दो, 5 पूछे हैं 5 बता दो, यहाँ पर 20 नंबर हैं, उस 20 में से कोई भी 4 नंबर जो आपको सुंदर अच्छे देखने में लगते हो वो नंबर आप बता दो। जैसे मैंने पहले ही 4 बता दिए, 31/70, 32/70, 33/70 और 34/70, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया नंबर्स निकालने का, जो मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, सिर्फ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में ही आपका आंसर आ जाएगा, आपको बड़ी वैल्यूज़ तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर्स पूछ लेंगे कभी।
या बहुत ज़्यादा पूछने होंगे तो 10 पूछ लेंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेंगे। अब बात अगर मैं करूँ दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका ये है, जैसे कि आपको पता है कि 2 और 3 ये भी रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 को 2/1 और 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। तो अब अगर मैं 2 और 3 के बीच में आपसे पूछूं कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, ध्यान से सुनना, 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो आप कहोगे 0, एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता। फिर मैं कहूँगा 2 और 3 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं, तो आप कहोगे 0, 2 और 3 के बीच में कोई होल नंबर नहीं आता। ऐसे ही कोई इंटीजर भी नहीं आता, लेकिन इसके बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स आते हैं। तो देखो, पहले तो वही पहले तरीके से बताता हूँ एक बार कैसे निकालेंगे। अपॉन 1 और अपॉन 1 लिख दिया, अगर इसके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स निकालने, और फिर इंटू 10 कर दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे यहाँ पर भी ऊपर भी और नीचे भी। अब मुझे यहाँ पर इनके बीच में 9 नंबर्स मिल जाएंगे। कौन से नंबर? 21/10, 22/10, 23/10, और ऐसे ही करते करते पूरा 29/10 तक आपको 9 नंबर्स मिल जाएंगे इन दोनों के बीच में। 10 नहीं, 9 नंबर्स मिलेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि 21 से 29 तक 9 नंबर्स तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने सबसे पहले नंबर लाइन पे आपको बताया था कि 2 और 3 के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इन दोनों की एवरेज ले लो, या फिर मीन बोलते हैं उसको, मीन ले लो। मीन कैसे लेते हैं? जो भी दोनों नंबर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पर 2 और 3, उन दोनों को आप ऐड कर दो, 2+3, और फिर उनको जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 2 नंबर्स ऐड किए ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। मीन लेना ऐसे बोलते हैं, आप हमेशा 2 से ही डिवाइड करोगे, मीन से आपको मतलब नहीं है। तो जो भी आपको 2 नंबर्स दिए हैं उनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 और 3 के बीच में एक नंबर ये भी आएगा, ये नंबर क्या है, 2+3 = 5, और डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही रहेगा। अब अगर आपसे एक नंबर की जगह 3 नंबर पूछे हैं और कहा है कि आपको इस मीन या फिर एवरेज वाले मेथड से ही निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे। एक नंबर तो आपने निकाल लिया 5/2, इससे आपको पता चला कि 2 आता है, फिर 5/2 आता है, और फिर 3 आता है, क्योंकि आपने 2 और 3 के बीच का नंबर निकाला है, तो 2 और 3 के बीच में लिख दिया 5/2 को। अब अगर आपसे एक नंबर तो मैंने ये निकाल लिया, अब आपसे 3 नंबर पूछे थे मान लो, वैसे तो एक ही पूछेंगे, लेकिन अगर हार्ड या लेंदी बनाना है 3 पूछ लिए, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों की मीन ले लोगे, उससे एक नंबर और मिल जाएगा आपको। ऐसे ही इन दोनों की मीन ले लोगे, उससे एक नंबर मिल जाएगा, फिर आपके 3 नंबर हो जाएंगे, एक ये और ये दोनों। तो अब देखो इनकी मीन कैसे निकलेगी, इसकी और इसकी, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो आप लिखोगे 2+5/2, और इस पूरे को सॉल्व करके जो भी आएगा उस पूरे को आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर को ऐड करके, यहाँ 2 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ 2 और 5/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 5/2 और 3 को ऐड करोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आपको 2 को 2/1 लिख सकते हो। अब इस 1 को 2 बना दो, आप कैसे बनाओगे, इंटू 2 करोगे ऊपर और नीचे। ये तरीका तो हमें पता ही है। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ एडिशन के केस में। आप क्या कर सकते हो, जब ऐसे 2+5/2 लिखाओ, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4, और 2 के ऊपर जो लिखा है वो ऐसे ही लिख दो +5, और ये 2 फिर पूरे का डिनोमिनेटर बन जाएगा। और अगर आप देखोगे ना, तो जो मैं पहले बता रहा था ये वही हो रहा है। देखो 2+5/2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका 2 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इंटू 2 करूँगा नीचे और इंटू 2 करूँगा ऊपर, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 4/2, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2, 4/2 +5/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 4+5/2। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, इतना लंबा लिखने की जगह आप डायरेक्टली देखो क्या करोगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया, प्लस के बाद इस 2 के ऊपर जो भी लिखा था वो एज इट इज़ लिख दोगे, और अब ये नीचे वाला 2 पूरे को दे दोगे, पहले इसके पास नहीं था, सिर्फ इसके पास था, अब पूरे को दे दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पर क्या करोगे, जिसके साथ 2 नहीं है नीचे, उसमें मल्टीप्लाई करना है हमेशा, तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 एज इट इज़ लिखोगे क्योंकि उसके नीचे तो 2 है, प्लस इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 3 ज़ा 6, और नीचे वाला 2 पूरे को दे दोगे। तो 2 नंबर्स क्या आ गए, 4+5 9/2 और 5+6 11/2, और टोटल हमें 3 नंबर्स निकालने थे। तो 3 नंबर्स क्या हो गए, सबसे पहले आएगा 9/2 जो यहाँ पे है, 2 के बाद सबसे पहले क्या आएगा 9/2, फिर ये बीच वाला नंबर आएगा 5/2, और फिर ये राइट वाला नंबर आएगा जो है 11/2। तो 2 और 3 के बीच में आपने इस तरह से मीन या फिर एवरेज मेथड को यूज़ करके 3 नंबर्स निकाल दिए।
और दूसरा तरीका तो आपको पता ही था, इंटू टेन अपॉन टेन इंटू टेन अपॉन टेन, अब इसके बीच के 21/10, 22/10, वो सारे नंबर्स में से कोई भी तीन नंबर लिख दो। तो हमने दोनों तरीके देख लिए, दो नंबर रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने के। अब बात यह है कि हम लोग थ्योरी वाइज पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज बची है और इसी के ऊपर के रैशनल नंबर वाले के कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, तो अब हम लोग वो एग्जांपल्स देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जो कि है एग्जाम्पल 6। ये कह रहा है कि आपको तीन रैशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन -2 एंड 0। -2 और 0 के बीच में तीन रैशनल नंबर लिखने हैं। तो आप देखोगे -2 के बाद आता है 1, ठीक है, तो एक नंबर मिल पा रहा है हमें सिर्फ नॉर्मल तरीके से नंबर लाइन पे देखने से, ठीक है। तो नंबर लाइन से तो हमें एक ही नंबर मिला, लेकिन हमसे कितने नंबर पूछे हैं, 3 रैशनल नंबर्स पूछे हैं। तो अब एक तरीका तो वही हम लोग मीन वाला तरीका लगा सकते हैं कि -2, 1 और 0 मिल गए। एक तो 1 हमें ऐसे ही दिख गया, हमें पता है -2 के बाद हाँ ये तो तीन ऐसे ही आ जाएंगे। देखो -2 के बाद 1 नहीं आता है, -2 के बाद -1 आता है, हाँ एक ही आएगा, -2, -1 और 0 नंबर लाइन पे ये बनाना। तो हमें एक नंबर तो ऐसे ही मिल गया जो कि है -1, 1 नहीं -1, 1 गलत था। तो अब एक नंबर हमने सीधा नंबर लाइन या अपनी समझ से निकाल लिया। अगर आप समझ से नहीं निकाल पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटू टेन वाला मेथड लगाओगे, फिर -2 में 10 जो मल्टीप्लाई किया था 20 और नीचे 10, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारा 0, तो 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। अब यहाँ से आप इसकी तरफ चलने शुरू करोगे 0 अपॉन 10 की तरफ, तो -20 के बाद क्या आएगा, -19। याद रखना माइनस में हम उल्टा चलते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 20 से हम लोग 0 की तरफ चलेंगे। तो -20 के बाद क्या आएगा, -19 अपॉन 10, फिर आएगा -18 अपॉन 10, फिर -17 अपॉन 10, और इस तरह से हमने तीन रैशनल नंबर्स लिख दिए। आपको ये तीनों नंबर अच्छे नहीं लगते हो तो आप 19, 18, 17 की जगह 16 अपॉन 10, 15, 14, 13 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका है मीन निकालने का। तो देखो मीन वाले में क्या है कि -2 और 0 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2 और अपॉन 2, तो 2 वन ज़ा 2 और 2 वन ज़ा 2, 1 अपॉन 1 आया और ये माइनस, तो एक नंबर मिल गया -1, जो हमें ऐसे भी दिख रहा था, लेकिन आपको नहीं भी दिख रहा था तो भी मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया। अब क्या करेंगे, ये देखो -2, -1 और 0 एक नंबर हम निकाल चुके हैं, अब एक नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं और फिर एक नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। तो -2 और -1 की मीन क्या आ जाएगी, -2 में मैं जोड़ूंगा -1 ये प्लस और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो -2 ये देखो प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, हमने पढ़ा था रिवाइज किया था 6th क्लास की ये चीज़, माइनस बना देंगे, तो ये हो जाएगा -2 -1 अपॉन 2। और अब देखो जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐड करते हैं, चाहे साइन में प्लस हो चाहे माइनस हो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन क्योंकि इनके साथ माइनस लगा था तो एक माइनस यहाँ पर लगाएंगे, तो -2 -1 हो गया -3 और अपॉन 2, तो एक नंबर आया इन दोनों के बीच में -3 अपॉन 2। अब आप चाहो तो -1 और 0 के बीच में एक नंबर निकाल लो, या फिर आप -2 और -3/2 के बीच में एक और नंबर निकाल लो, लेकिन यहाँ से मुझे आसान लग रहा है तो मैं ये निकालूंगा। तो देखो -1 प्लस 0 अपॉन 2, तो -1 और 0 को जोड़ के तो -1 ही आ जाएगा और अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, तो एक नंबर आ जाएगा -1 अपॉन 2। तो आपने तीन नंबर क्या निकाले, -1, -3/2 और -1/2, दोनों मेथड से निकाल के बता दिया मैंने आपको। ये था हमारा example 6। example 7 है -5/6 और +5/8। अब देखो यहाँ से आप कुछ नया सीखोगे, यहाँ से आप क्या नया सीखोगे, कितने नंबर्स निकालने हैं, और हमें निकालने हैं यानी 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। वेरी गुड, -5/6 और +5/8 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 10 ये है example 7, 10 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें -5/6 और +5/8। इन दोनों के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग आ रहा है, डिनोमिनेटर अलग है तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे आप, 6 और 8 का ले लोगे LCM, ठीक है, या फिर आप क्या करो सबसे सिंपल कि उल्टा
चीज़ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ 6 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ 8 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो जो दूसरा नंबर था, और नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे। अब देखो यहाँ क्या बन गया, 6 × 8, और यहाँ बन गया 8 × 6, और दोनों चीज़ें बराबर होती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, तो 6 × 8 = 48 और 8 × 6 = 48 हमें ऐसे ही मिल गया। अब यहाँ से आप देख लो 5 × 8 = कितना होता है 40, तो −40/6 × 48, ठीक है। 5 × 6 = कितना होता है 30, 8 × 6 = 48। तो ये देखो अब हमें यहाँ से कितने नंबर्स मिल गए, −40 से लेके 0 तक जाएंगे 39 नंबर्स यहाँ मिल गए, और फिर 1 से लेके 29 तक आएंगे 29 नंबर्स यहाँ मिल गए। तो हमें लगभग मिल गए कितने नंबर, 38 नंबर्स मिल गए हमें इनके बीच में, जबकि हमसे सिर्फ 10 नंबर पूछे गए हैं, तो कोई भी 10 उनमें से लिख दो, कौन से 10 लिख दो, कोई से भी। −40 के बाद क्या आएगा, −39/48, फिर क्या आएगा −38/48, फिर आएगा −37/48, और ऐसे करते करते 29/48 प्लस में चले गए हम। कोई से भी नंबर लिख दो आप इसमें जो आपको अच्छे लगें, एक नंबर 0/48 मतलब कि 0 भी आएगा अगर आप लिखना चाहो तो, 0 अच्छा लगता हो आपको तो। एनी हाउ तो ये तरीका लगाया हमने, हमने LCM निकालने में भी टाइम बर्बाद नहीं किया, सीधा उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 था यहाँ 8 था, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 नंबर पूछे थे हमने 68 नंबर निकाल दिए दोनों के बीच में, ठीक है। एक मेथड ये, और दूसरा मेथड जो है वो है मीन वाला। तो मीन वाला अगर देखो 10 नंबर पूछे हैं और आप मीन वाला मेथड लगा रहे हो तो आप पूरे 3 घंटे में सिर्फ वही निकाल पाओगे और कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपसे ज़्यादा नंबर्स पूछे गए हो निकालने के लिए उसमें आपको यही मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाना है, क्योंकि इसमें बस 10 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आपके सामने होगा। तो मीन वाला मैं फिर भी बता देता हूँ, एक नंबर निकाल के दिखा देता हूँ, उसमें सेम करोगे कुछ अंतर तो है नहीं, दोनों को ऐड और 2 से डिवाइड, तो −5/6 +5/8 दोनों को ऐड करके जो आएगा उस पूरे को आप 2 से डिवाइड कर दोगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैंने सिखाया था आपको, 8 × 5 = 40, और क्योंकि इसके पीछे माइनस है तो माइनस, 6 × 5 = 30, और बीच में प्लस है तो प्लस, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 × 8 = 48, और इस पूरे को सॉल्व करके जो आएगा उसको मैं इस 2 से डिवाइड करूँगा। तो −40 + 30, साइन अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े नंबर में से छोटा, तो 40 में से 30 गए 10/48, और साइन इसके पीछे कौन सा लगेगा, जो भी बड़े नंबर के पीछे साइन था, तो 30 और 40 में क्या बड़ा है 40, और 40 के पीछे है माइनस का साइन, तो −10/48, और इस पूरे के नीचे आएगा 2। अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा डिवाइड करके आ जाएगा आपके पास तो आप उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे डिवाइड में 2/1 है ना, तो आप क्या करोगे −10/48, और ये डिवाइड में क्या है 2/1, तो डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगा दोगे और 2/1 को पलट दोगे, ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये कट रहा है 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो ओवरऑल मेरे पास आंसर आ गया −5 × 1 जो कि होता है −5/48, और ये फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, तो एक नंबर निकल गया इस मीन वाले मेथड से। लेकिन जब भी आपसे 10 नंबर इस तरह से ज़्यादा नंबर पूछे जाएंगे तो आपको मीन वाला मेथड नहीं लगाना है। एग्जांपल 6, 7 हो गया, 8 है रैशनल नंबर निकालना है हमें, एक नंबर निकालना है सिर्फ हमें रैशनल नंबर 1/4 and 1/2 के बीच में, तो एक ही नंबर निकालना है हमें, तो मीन मेथड ले लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1/4 + 1/2 और जो आएगा उस पूरे को 2 से डिवाइड करना है। तो देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, × 2 ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बन गया 1/4 + 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2/4, तो 1/4 + 2/4 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है 2 से, इस पूरे को 2 से डिवाइड करना है, तो अभी जो पिछले एग्जांपल में बताया था कि 3/4 एज इट इज़ लिखोगे और इनटू में 2 को उल्टा कर दोगे रेसिप्रोकल, तो 1/2, तो ये बन जाएगा 3/4 × 2 = 8 3/8, तो एक नंबर हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के लिए और समझाया भी था कैसे होगा, जितने ज़्यादा आप उसके क्वेश्चन करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के उतना ही आसान होगा आपको उसको समझने में, नहीं करोगे तो आपको हार्ड लगता ही रहेगा। तो ये था एग्जांपल 8, अब बस एक एग्जांपल और है और फिर चैप्टर ख़त्म।
हाँ वो भी कुछ नहीं है, यही है 1/4 और 1/2 के बीच में तीन नंबर निकालने हैं। तो अभी हमने एक नंबर निकाला था और वो नंबर क्या था, 3/8। तो 1/4 और 1/2 के बीच में हमने एक नंबर 3/8 निकाल लिया था। अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करके 2 को से डिवाइड करोगे तो एक नंबर यहाँ से निकल आएगा, ऐसे ही इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो एक नंबर यहाँ से निकल आएगा। वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हो, इसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए। तो एक नंबर जो यहाँ से निकलेगा, एक नंबर जो यहाँ से निकलेगा और ये 3/8 जो हमने अभी निकाला है, ये तीन नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। एक नंबर है 5/16 और एक नंबर है 7/16, 5/16 और 7/16। तो ये तीन नंबर्स हमारे निकल आए हैं 3/8, 5/16 और 7/16 मीन मेथड से। मीन मेथड नहीं लगाना है तो सिंपल वही करोगे आप, 1/4 है और 1/2 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/4 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर्स निकालने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, निकल आया। अब जितने नंबर लिखने हैं आपको, 11/40, 12/13/40, 14/14, 15/14, 16/40, वो सब आप लिखकर इसके बीच में पूरे 9 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब हमारी बस एक वीडियो और एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और अभी तक आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो अब बताने का सही टाइम है क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे और इसकी वीडियोस नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर आपके ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो एक सेपरेट वीडियो हम लोग सिर्फ डाउट्स के ऊपर कवर कर लेंगे, बट क्योंकि अब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो अच्छा होगा कि आप यहीं पर अपने सारे डाउट्स क्लियर करके तब नेक्स्ट चैप्टर पर जाएँ जहाँ हो सकता है कि इस चैप्टर में से कुछ यूज़ आ रहा हो। ओके, सो अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो या पुरानी किसी वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट, और बस वही लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है सब कुछ। थैंक यू।